नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और रिप्रोडक्शन में आज जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन मींस निषेचन। होता क्या है फर्टिलाइजेशन मींस, हम बोल सकते हैं यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यूनियन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, या फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, या फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल न्यूक्लियाई। मतलब नर और मादा युग्मक है, उनका मिलना क्या कहलाता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। इसकी जो साइट की बात करें, ये साइट कहाँ होती है इसकी, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब आप पढ़ चुके हो फीमेल के अंदर, तो उसके अंदर भी हम देखें तो एम्पुला जो होता है, एम्पुला पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों आके मिलते हैं, उसे बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। देखो टॉपिक थोड़ा छोटा है, समझ लेते थोड़ा सा। जो फर्टिलाइजेशन है उसको फोर स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिनगेमी, सेकंड प्लाज्मोगेमी, थर्ड कैरियोगेमी एंड फोर्थ एम्फीमिक्सिस। सिनगेमी मींस दो गैमेट्स हैं, ओवम और स्पर्म, इन दोनों का मिलना, यूनियन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स नोन एज सिनगेमी। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मो मींस प्रोटोप्लाज्म, गेमी मींस मिलना, तो मतलब दोनों का प्रोटोप्लाज्म, या हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म। हालांकि दोनों में डिफरेंस है, लेकिन कई बार हम दोनों को सिनोनिम की तरह यूज कर लेते हैं। मेल और फीमेल गेमेट के दोनों जो गेमेट्स है उनके साइटोप्लाज्म का या कोशिका द्रव्य का मिलना क्या कहलाता है, वो प्लाज्मोगेमी। यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा, ये जो लिख रखा है मैंने पी सेंट्रियोल, पी मतलब प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो मींस माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होते हैं, स्पर्म में होते हैं। ठीक है, तो स्पर्म की सारी स्ट्रक्चर डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, किसके अंदर घुल जाती है, साइटोप्लाज्म में। लेकिन सेंट्रियोल और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों घुल नहीं पाते हैं। ठीक है, ये उसमें काम करते हैं मतलब, और सारी स्ट्रक्चर समाप्त हो जाएगी किसकी, स्पर्म की। नेक्स्ट है कैरियोगेमी, कैरियो मींस होता है न्यूक्लियस, मतलब दोनों जो गैमेट्स है उनके न्यूक्लियस का या केंद्रक का फ्यूजन होना। ठीक है, दोनों का केंद्रक है, इनका फ्यूजन होगा। एंड नेक्स्ट है कौन सा, एम्फीमिक्सिस मींस मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मींस जैसे मेल में 22 प्लस एक्स होता है या वाई होता है, फीमेल में 22 प्लस एक्स और एक्स, और एक्स ही होता है मतलब। ये दोनों मिल जाएंगे तो दो कंडीशन होगी, या तो 44 होंगे प्लस एक्स होगा, या 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मतलब दोनों मिल जाएंगे, मतलब दोनों जोड़े बना लेंगे, इसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, एम्फीमिक्सिस। चलो इसका थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं पहले, फिर दोबारा इनको रिवाइज कर लेंगे। यहां से फर्स्ट इज सिनगेमी, सिनगेमी मींस यूनियन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, दोनों का मिलना। यहाँ पे ये ध्यान देना है, दिस इज द मैटर ऑफ चांस, रैंडमली दोनों स्पर्म और एक का मिलना, ये हिट पे डिपेंड करता है, क्या चांस है। मैटर ऑफ चांस मींस हम बोल सकते हैं कि ये तुक्के से ही मिलते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं होती। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन इसलिए है क्योंकि स्पर्म की जो मूवमेंट होती है वो डायरेक्शनल लेस होती है, डायरेक्शन लेस, कोई निश्चित दिशा नहीं होती वो किधर भी। जब इंसेमिनेशन होता है, वजाइना में एंटर होता है स्पर्म, उसके बाद में वो मूव करता है। ठीक है, तो वो मूव किधर भी कर सकता है।
तो ये ध्यान रखना उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन जो स्पर्म यूट्रस को क्रॉस करते हुए फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, वहाँ जाने के बाद भी क्या होता है कि जरूरी नहीं वो एग के पास पहुँच पाए, और एग के पास पहुँच भी गया तो जरूरी उसे हिट कर पाए, ठीक है, क्योंकि कोई ये मान लो कि ये एक तरह से ब्लाइंड होते हैं, दिखता नहीं इनको, ये मान लो आप, तो इधर उधर भगते रहते हैं। तो अब जब स्पर्म का मूवमेंट डायरेक्शन लेस है तो फिर निषेचन कैसे होगा, मतलब चांस क्या है फिर मिलने का, उसके लिए दो एडेप्टेशन है, मतलब दो तरह के क्या हो गए, एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, अनुकूलन, मतलब दो तरह से अनुकूलित हो चुका है। कैसे, एक तो क्योंकि जैसे मान लो नंबर ऑफ स्पर्म है उनका हाई काउंट होता है, हाई काउंट मतलब 20 से 120 मिलियन, एक मिलियन में 10 लाख होता है। अब आप देख लो कितने लाख हो गए, इतना एक बार में 1 ml में क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, कितना, इतना अमाउंट, मतलब लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में क्या होता है, स्पर्म रिलीज होते हैं, ओवम सिर्फ एक ही रिलीज होता है। इधर क्या हो गया 20 to 120 मिलियन। दूसरा एडेप्टेशन क्या है, लास्ट साइज ऑफ ओवम, ओवम का साइज है वो 1000 गुना ज्यादा बड़ा होता है स्पर्म से। जैसे मान लो ये स्पर्म है, सॉरी ये एग है, तो स्पर्म इस तरह से बहुत सारे स्पर्म होंगे जो इसको यहाँ तक पहुंचता, मतलब ज्यादा साइज बड़ा साइज होगा तो हिट इजीली हो जाएगा, अगर इसका साइज छोटा होता, इस एग भी मतलब छोटा सा होता तो हिट नहीं हो पाता या बहुत कम चांस होते। जितना ज्यादा बड़ा साइज इसका है उतना ही इसका ज्यादा चांस है हिट होने का, समझ में आ गया होगा। तो नंबर ऑफ स्पर्म बहुत सारे हैं और एक का साइज बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है, 1000 गुना, ठीक है। तो ये अगर ये क्या हो गया, हम बोलेंगे सिनगेमी, मतलब यूनियन, किस तरह से मिलते हैं, अच्छा मिलेंगे तो अटैच कैसे होंगे, अटैचमेंट होना जरूरी है, ठीक है, उसके लिए एक में या ओम में तथा स्पर्म में स्पेसिफिक टाइप की एक अलग प्रकार की प्रोटीन होती है, जैसे लोक और की होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का लोक एक स्पेसिफिक टाइप की से ही खुलता है, वैसे ही एक स्पीसीज स्पेसिफिक स्पीसीज का स्पर्म स्पेसिफिक स्पीसीज उसी स्पीसीज के ओम से मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि स्पर्म पर एंटी फर्टिलाइजिन नाम की ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी होता है, जैसे लोक और की होता है, जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट होता है, वैसे ये यहाँ पे प्रोटीन होती है स्पर्म के हेड पे, इसे बोलेंगे एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है। और ओम पे क्या होती है, फर्टिलाइजिन, ये मान लो ये क्या होता है, लॉक है, सपोज ये क्या है, की है, इस तरह से। तो ये जब दोनों मिल जाएंगे, मतलब दोनों की स्पीसीज सेम होगी, तो ये इससे अटैच हो जाएगा, सपोज ये इससे जैसे ये स्पर्म का हेड है और ये इस प्रोटीन से अटैच हो गया, इससे बोलेंगे अटैचमेंट, अटैचमेंट ही कैपेसिटी को बोलेंगे कैपेसिटेशन। स्पर्म का जो हिटिंग कैपेसिटी होती है उसमें कितनी जल्दी से वो क्या करता है, हिट कर पाता है, उसके मूवमेंट की कैपेसिटी बोल दो, उसके हिट करने की कैपेसिटी या उसके अटैचमेंट की कैपेसिटी, उसे बोलेंगे कैपेसिटेशन। स्पर्म की कैपेसिटेशन ज़्यादा होगी तो जल्दी अटैच होगा, कम होगी तो कम या धीरे मतलब लेट से अटैच होगा, ठीक है, या नहीं भी हो। तो ओवम पे ध्यान रखना, ओवम पे फर्टिलाइजिन होती है, ओवम पे कौन सी प्रोटीन होती है, फर्टिलाइजिन, जबकि स्पर्म पे कौन सी होती है, एंटी फर्टिलाइजिन। कैपेसिटेशन हो गया, अटैचमेंट हो जाएगा, अटैचमेंट होते ही एक्रोसोमल फंक्शन स्टार्ट होगा, जैसे हमने स्पर्म पढ़ा था, स्पर्म का स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है, ये मिडिल पीस, सॉरी जैसे हमने ये वाला डायग्राम बनाया था इस तरह से, नेक, मिडिल पीस और टेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। कौन सा एंजाइम है, हाइलुरोनिडेज। वो एंजाइम क्या करेगा, इसको ये सब बाइंड होने के बाद में इसकी मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, उसकी मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगा, उसको डिजोल्व कर देगा, घोल देगा, उससे क्या हो जाएगा,
स्पर्म इसके अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये हेड है स्पर्म का, ये प्रोटीन थी, ये जुड़ गया। अब इसको क्या करेगा, ये नेक्स्ट डायग्राम देखें तो इस तरह से हेड इसके अंदर चला जाएगा। किसकी वजह से? एक्रोसोम की वजह से। एक्रोसोम क्या करेगा, इस लेयर को तोड़ देगा, एग वाली को। तोड़ने के बाद ये अंदर आ गया, ठीक है। ये हो गया एक्रोसोमल फंक्शन। लेकिन दूसरा है एग का रेस्पॉन्स। ये जो एग है ये रेस्पॉन्स कैसे दे रहा है, ठीक है। एग का रेस्पॉन्स क्या है, जो ही स्पर्म एंटर होगा तो इसके नीचे क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रैनुल्स होता है। इस तरह से क्या होते हैं, इनको बोलते हैं पूरी लेयर को होंगे इस तरह से। यहाँ पे क्या है सारा, ये कॉर्टिकल ग्रैनुल्स। एक की लेयर जो होती है इनर लेयर, वहां पर कॉर्टिकल ग्रैनुल्स होते हैं, कण होते हैं, ठीक है। ये कण क्या करते हैं, ब्रेक हो जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे। जैसे ये बना स्पर्म एंटर होगा, यहाँ पे बन जाता है रिसेप्शन कोन, एक शंकु बन जाता है। रिसेप्शन कोन बनते ही क्या हो जाएगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से ये बस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। ये ग्रेन्यूल फट जाएंगे तो इनसे कुछ इनसे कुछ क्या निकलेगा, सीक्रेशन निकलेगा, ठीक है। सपोज ग्रेन्यूल से कुछ सीक्रेशन इस तरह से निकला, और ये ग्रेन्यूल है इनका सीक्रेशन एक की बाहर की तरफ इस तरह से एक लेयर और बना लेता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फट जाएंगे। फटने से क्या होगा, उनके अंदर जो मटेरियल होगा वो बाहर निकलेगा, और एक जो ओवम है उसको हम एक ही बोल सकते हैं वैसे, ठीक है। तो वो उसके चारों तरफ क्या बना लेगा, लेयर बना लेगा। इस लेयर का रोल क्या है, इस लेयर का रोल ये है कि ये चीज स्पर्म ए था, एक स्पर्म बी और आ रहा है इधर, तो ये बी की एंट्री को रोक देगा। समझ में आ गया, मतलब एक ओवम से एक ही स्पर्म एक बार एंटर हो जाएगा, उसके बाद दूसरा एंटर स्पर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, रिसेप्शन कोन फॉर्म्ड, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बस्ट, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सीक्रेट्स मेम्ब्रेन अराउंड द ओवम एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। सेकेंड रेस्पॉन्स क्या था, मियोसिस सेकेंड इंड्यूस्ड। मैंने कहा था कि ये ओवम है ये अरेस्टेड होता है, ये हम पढ़ चुके पहले वैसे, इन मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में या बोलेंगे मेटाफेज सेकेंड, इसमें अरेस्टेड होता है। तो जब इसका एंटर होगा तो इसके साथ क्या है, प्रोक्सीमल सेंट्रियोल है, ये भी इसके अंदर आएगा। सपोज स्पर्म अंदर आ गया, यहाँ पे प्रोक्सीमल सेंट्रियोल है, ये सेंट्रल क्या करेगा, इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स, मान लो ये बाहर आ गया, स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा और इंड्यूस कर देगा किसको, माइटोसिस या मियोसिस सेकेंड को। मतलब जो ओवम है उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट क्लास में आप देखना ओजेनेसिस हमने पढ़ा था, या उससे पहले हमने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत नहीं है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बस इतना ध्यान दो कि स्पर्म के साथ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी एंटर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एंटर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे जिससे माइटोसिस हो जाएगा इसके अंदर, मियोसिस सेकेंड सॉरी, जिससे माइटोसिस जैसा ही है लेकिन बोलेंगे मियोसिस सेकेंड, वो इंड्यूस हो जाएगा और इसमें क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई कौन सी बात, यहाँ से सिनगेमी। अब देखो जो हमने तीन टर्म और बताई थी अभी, ये तो हो गया फर्स्ट वाले सिनगेमी, यहाँ से लेके यहाँ तक कि भाई एक स्पर्म है वो एंटर हो अटैच हो रहा है, अटैचमेंट ऑफ मेल और फीमेल गेमिट नोन एज सिनगेमी। उसके बाद स्पर्म एंटर हुआ इसके अंदर, अंदर एंटर होते ही जैसे स्पर्म अंदर एंटर हो गया था ये वाला, इसकी लेयर हट जाएगी और इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म दोनों मिक्स हो जाएंगे। समझ में आ गया, सेंट्रियोल डिवाइड होकर दोनों तरफ आ जाएगा, समझो मेरी बात। तो दूसरी मैकेनिज्म क्या हुई, जब साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा उससे बोलेंगे अपन क्या, ठीक है, समझ में आ गया।
प्लाज्मोगेमी हो गया। प्लाज्मोगेमी के बाद में फिर एक टर्म और बताई थी मैंने, कौन सी, कैरियोगेमी, मतलब जो इसके स्पर्म के जो न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस भी ओवम के न्यूक्लियस से मिक्स हो जाएगा। स्पर्म न्यूक्लियस और ओवम न्यूक्लियस दोनों, इसे क्या बोलेंगे अपन, कैरियोगेमी। और एम्फीमिक्सिस मीन्स, जैसे मान लो सपोज ये क्रोमोसोम है फीमेल का और ये क्रोमोसोम है मेल का, एक क्रोमोसोम है सपोज ये एक्स है एक वाई है, ठीक है, एक जोड़ा बना लिया, इस तरह से 22 जोड़े और बनेंगे, मतलब दोनों क्रोमोसोम मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने का मतलब है अपने अपने होमोलोगस क्रोमोसोम से जुड़ जाएंगे, तो जोड़े बन जाएंगे, 23 जोड़े बन जाएंगे, 23 पेयर्स। इससे क्या बन जाएगा, एक पूरा जायगोट, समझ में आ गया। सिनगेमी होगी, फिर प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी होगी और फिर एम्फीमिक्सिस होगी। चारों टर्म समझ में आ गई। एम्फीमिक्सिस होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे क्या बोलेंगे अपन, जायगोट। तो मतलब फर्टिलाइजेशन क्या है, एक तरह से यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई, एंड फॉर्म टू वन स्ट्रक्चर, डिप्लोइड स्ट्रक्चर नोन एज जायगोट। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। पूरी निकली थी, मैं आपके समझ में आ गई होगी। अच्छी लगे तो शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।